यह प्याज टमाटर और करी पत्ता से बनेगी। इसके लिए हमने कुछ करी पत्ता लिया है, जैसा आप देख सकते हैं, नमक स्वादानुसार, 3 टमाटर, 1 प्याज बड़ा पतला लंबा कटा हुआ, और 2 लहसुन की कलियां, 4 से 5 लाल मिर्च, इसे 5 मिनट पहले पानी में भिगोया है, और कुकिंग ऑयल। गैस पे कढ़ाई चढ़ाते हैं, इसमें 2 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल डालते हैं। तेल मीडियम गरम हो चुका है, टमाटर को काट लिया है, इसमें डालते हैं, प्याज डालते हैं, लहसुन डाल दिया दोनों, करी पत्ता को तोड़ लिया है, ये डालते हैं, मिर्च डाल दिया, गैस कम कर देते हैं। इसे चलाते हैं और ढक देते हैं। बीच में 1-2 बार चलाते हैं। डेढ़ मिनट पकने के बाद गैस बंद कर देते हैं। इसे हमने धीमी ही आंच पे पकाया है। अब इसे पीसना है, नमक डाल के इसे पीस लेते हैं। अब यह ठंडा हो चुका है, इन सब चीज़ों को चटनी जार में निकाल के पीस लेते हैं। चटनी पिसा चुका है, ये पीस के तैयार है। अगर आप खट्टा ज़्यादा पसंद करती हैं तो इसमें नींबू का रस गार सकती हैं, और ऊपर से अगर आपको करी पत्ता का टेस्ट पसंद है तो इसमें कुछ और करी पत्ता भी डाला जा सकता है। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।